Welcome you all. Now we will discuss the questions based on zero and coefficient of a polynomial. This is your exercise 2.2. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ questions को discuss करने हैं. तो देखिए आपका first question क्या है, find the zero of polynomial and verify the relation between zeros and coefficient. जो आपके zeros हैं और उनके कॉफिशियंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सबसे पहले हम जीरो चेक करते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है. देखिए जब भी आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू को जीरो आ जाए, जिस पॉइंट पर, मतलब जिस पॉइंट पर इस इक्वेशन की वैल्यूज जीरो आती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जहां पे हम इक्वल टू जीरो आएगा यहाँ पे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले. तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे, दैट वी वॉन्ट the product as plus 10 and addition or subtraction is plus 7. तो ये आपका factorization method है. तो देखिए इसमें आपको चाहिए 5 और 2. मैं इस question को यहां से start करते हैं. 5x plus 2x plus 10. आप देखिए यहां से 5 into 2 is what? 10 and 5 plus 2 is 7. तो हम यहां से क्या करेंगे, x common लेते हैं, x plus 5 plus 2 x plus 5. तो देखिए हम यहां से वेरीफाई क्या करते हैं, डेट द एक्सट्रैक्टेड पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, डेट इज इन ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट के अंदर है, वो क्या होना चाहिए आपका, दिस मस्ट बी x plus 5. तो ये क्या होना चाहिए आपका, x plus 5 होना चाहिए. तो यहां से वैल्यू क्या जाती है आपकी x की, देखिए आपके फैक्टर्स क्या आते हैं, x प्लस 5 एंड x प्लस 2. ये जो क्या है आपके दो फैक्टर्स बन जाते हैं. नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, तो देखिए सो वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो. इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी, when x plus 2 is equal to 0, जब x plus 2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 हो, and x plus 5 is equivalent to 0, जब ये दोनों यहां से क्या हो जाते हैं, दोनों ही equivalent to 0 हो, that is, देखिए यहां से x की वैल्यू क्या हो जाती है, minus 2, that is x equal to minus 2 and x equal to minus 5. तो यहां से आपको क्या पता लग जाता है, दैट एट पॉइंट माइनस टू एंड माइनस फाइव वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरो. इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. तो हमें यहां से हम क्या कह सकते हैं, देन माइनस टू एंड माइनस फाइव आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल के लिए ये क्या है, जीरो है, आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. नेक्स्ट हमें क्या करना था, ये यहां तक तो हमने क्या निकाला, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या करना था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट, जो जीरो है और कोफिशियंट है उनके बीच की वेरीफाई करने की क्या रिलेशन है. देखिए हम क्या बोलते हैं कि सम ऑफ जीरो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो सम है आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए वो क्या होगा, सब माइनस टू प्लस माइनस फाइव, डेट इज माइनस सेवन. ये क्या होता है आपका, सम ऑफ जीरो. एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉफिशियंट रूल, आपका कॉफिशियंट रूल क्या कहता है, डेट सम ऑफ जीरो इज इक्वलेंट टू माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर.
ڈیوائڈ کسے کریں گے کوفیشینٹ آف x square. تو یہاں سے ہم دیکھیں مائنس کوفیشینٹ آف x, کوفیشینٹ آف x کیا ہے 7. وی کین رائٹ ہیئر دیٹ مائنس آف 7. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کوفیشینٹ آف x square? کوفیشینٹ آف x square از 1. تو یہاں سے آپ کو صرف ویلوز لکھنی ہے. آپ کا ویلو کیا آتی ہے مائنس 7 بائی 1. اور دیکھیے یہاں پر بھی اکارڈنگ ٹو آر کوشچن ہماری ویلوز کیا تھی مائنس 7 اپون 1. تو یہ دونوں ہی کیا ہو جاتے ہیں آپ کے اکویلنٹ ہے. بوتھ آف دیز آر اکویلنٹ, ہینس وی کین سی دیٹ دس از, ہمیں یہاں سے اکویلنٹ کر دیا تو دس از دا ریلیشن, ہم نے یہ ویریفائی کر دیا. نیکسٹ ہمیں کون سا ریلیشن چیک کرنا ہے, پروڈکٹ آف زیرو. دیکھیے نیکسٹ وی ول چیک دا پروڈکٹ آف زیرو. اب دیکھیے آپ کے یہ جو زیروز ہیں مائنس 2 اینڈ مائنس 5, ان کا پروڈکٹ کیا ہے مائنس 2 انٹو مائنس 5, دیٹ از مائنس مائنس پلس از 10. تو یہ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے آپ کا, سب پروڈکٹ آف زیرو از 10. اور اینڈ اکارڈنگ ٹو آر کوفیشینٹ رول وٹ از پروڈکٹ آف زیرو, پروڈکٹ آف زیرو از کانسٹنٹ ٹرم, کانسٹنٹ ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی کوفیشینٹ آف ایکس اسکوئر. تو یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کا پروڈکٹ آف زیرو. اب دیکھیے کانسٹنٹ ٹرم کیا ہے یہاں پہ آپ کے اس کوشچن کے اندر, کانسٹنٹ ٹرم از 10 اینڈ کوفیشینٹ آف ایکس اسکوئر از 1. تو دیکھیے کانسٹنٹ ٹرم ہم نے کیا لکھی 10 اینڈ کوفیشینٹ آف ایکس اسکوئر از وٹ از 1. تو دیکھیے سیم دونوں کیا ہو جاتے ہیں ویریفائی کر رہے ہیں, مطلب دونوں اکویلنٹ ہے. دیٹ مینس پروڈکٹ آف زیرو از اکویلنٹ ٹو کانسٹنٹ ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی کوفیشینٹ آف ایکس اسکوئر. اس کوشچن سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ وین یو آر فائنڈنگ دا زیرو آف اے پالینومیل, آپ زیرو آف پالینومیل اس کے فیکٹرز نکال کے نکالیے, اور یو کین ڈائریکٹلی رائٹ, آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یوزنگ دیز فارمولاز, جو آپ کے یہ فارمولاز ہیں کوفیشینٹس کے ریلیٹڈ, جو آپ کے فارمولاز ہیں یہاں سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ایک اور کوشچن دیکھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن از your next question is x square minus 3. اب دیکھیے x square minus 3, اب اس question, اس equation کے ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے factors کو find out کرنا ہے. آپ کو ایک identity learn ہوگی, پہلے آپ نے کی ہوگی identity that a square minus b square is equivalent to a minus b into a plus بی. یہ جو کیا ہے آپ کی آئیڈینٹی ہے, وین ایور اے اسکوئر مائنس بی اسکوئر, جب بھی کبھی آپ کو اے اسکوئر اور بی اسکوئر دکھے دین پروڈکٹس آر اے مائنس بی اینڈ اے پلس بی. تو دیکھیے یہاں پہ بھی کیا ہے, دس از, آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں, ایکس اسکوئر مائنس انڈر روٹ 3 اسکوئر. یہ کیا ہے ایکس اسکوئر, اور نیچے والا کیا ہے انڈر روٹ 3 اسکوئر. آپ اس کو کریں گے تو آپ کو وہی ملے گا ایکس اسکوئر مائنس 3. تو نیکسٹ دیکھیے اس کو کیسے لکھتے ہیں, اس کے پروڈکٹ کیا ہوں گے, اے ایکس کیا ہے آپ کا اے اینڈ انڈر روٹ 3 از بی. سو ایکس مائنس انڈر روٹ 3 اے مائنس بی اینڈ ایکس پلس انڈر روٹ 3 از اے پلس بی. یہ کیا ہے آپ اس کے فیکٹرس ہیں ایکس مائنس انڈر روٹ 3 اینڈ ایکس پلس روٹ 3. سو ہم کیا لکھیں گے, سو ویلیو زیرو. سو اب ہم دیکھیں ہمیں مین ہمارا یہاں پہ کوشچن کیا ہے, دیٹ وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ دا زیرو پالینومیل, ہمیں تو پالینومیل کی زیرو نکالنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, پٹ دیٹ پالینومیل, یہ پالینومیل اس کے اکویلنٹ ہے, دیکھیں یہ دونوں ہی اکویلنٹ ہے,
put that polynomial equivalent to 0. अब हम यहां से इसको equivalent 0 put करने के लिए हम क्या करेंगे? So value of जबकि वैल्यू है x square minus 3 की, so value of x square minus 3 is 0. कब होगी ये 0? Is 0 when x minus under root 3 and x plus under root 3 both are equivalent to 0, are equals to 0, right? देखिए यहां से अगर हम इन दोनों को equivalents to 0 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x minus under root 3 equal to 0 and x plus under root 3 equals to 0. आपको यहां से x की क्या value मिल जाती है, 1 is under root 3 and next is minus of under root 3. ये दोनों ही आपके क्या है, equations है यहां से. So these are your zeros. इस equation के लिए under root 3 and minus of under root 3 are the zeros of polynomial. Next we will check the about their relationship between zero and coefficient. देखिए अगर हम बात करें sum of zero की, here we are going to write that, so what is sum of zero, under root 3 plus of minus under root 3, right? अगर हम यहाँ पे लिखे तो under root 3 minus of under root 3 क्या बना, this is equivalent to 0, and according to our coefficient rule, what is sum of 0, this is minus coefficient of x minus coefficient of x divided by coefficient of x square. तो देखिए what is the coefficient of x here, यहां पे इस equation के अंदर आपका coefficient of x क्या है, कोई भी नहीं है, यहां पे x है नहीं, तो हमारे x की coefficient क्या होगी, 0, and coefficient of x square is 1, anything इसको देखिए इसको equal क्या है, 0. तो ये दोनों यहां से भी equivalent proof हो गई, then in that case sum of 0 is minus coefficient of x divided by coefficient of x square, and in the same way we are writing the product of 0. देखिए product of 0 क्या है, under root 3 into minus of under root 3, तो क्या बनेगा आपका, minus of 3, that is under root 3 into under root 3 क्या होता है, 3, तो so product of 0 is minus 3, and according to coefficient rule, देखिए coefficient rule क्या बोलता है, constant term divided by coefficient of x square, ये क्या है, coefficient है, coefficient of x square. आप यहां से देखिए constant term क्या है, अब यहां पे constant term is minus of 3, minus of 3 हमने लिखा and divided by 1, तो same हमें मिल गया, यहां से भी product of 0 is minus 3, तो यहां से भी हमने इसको verify कर दिया. So this is your relationship between zero of a polynomial and coefficient of a polynomial. Next जो आपका question है, अब देखिए ये तो था आपका direct कि आपको एक equation दे दी गई है and you have to find the zero of polynomial. But in case अगर आपको sum of zeros and product of zero दिया जाए, then how will you find the equation, आपकी polynomial equation क्या होगी उस केस में, तो वो कैसे करेंगे, देखिए इसका जो next question है आपका, आपका question है find a quadratic polynomial find a quadratic polynomial whose sum and product of zero
zeros, product of 0 are minus 3 and 2 respectively. देखिए ये आपका क्वेश्चन है. अब इसको हमें कैसे सॉल्व करने, देखिए हमने क्या बात की थी लास्ट, उसमें हमने बात की थी दैट सम ऑफ जीरो. अगर मैं बोलूं मैंने क्या कहा था कि सम ऑफ जीरो इज अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं. इफ ए अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल देन सम ऑफ जीरो इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा बीटा. यही हमने पढ़ा था. तो ये किसी भी इक्वेशन के लिए हो सकता है. लेट अस सपोज दैट योर इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. और हमने एक साथ में क्या कहा था दैट सम ऑफ जीरो इज माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स. कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, बी माइनस ऑफ दिस ओवर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो क्या है, ए माइनस दिस. एंड व्हाट अबाउट योर अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो क्या है आपका कोफिशियंट, सॉरी कॉन्स्टेंट टर्म एंड डिवाइड. कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इस केस में, सी डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये क्या होते हैं आपके सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो देखिए ये तो आपका रिमाइंड में था कि आपको ये सब रिमाइंड हो जाए एक बार. हम अब क्वेश्चन को देखते हैं. आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है. बट इन दैट केस आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है. सम इज माइनस थ्री एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज टू. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. लेट अस सपोज लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये जो क्या है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड इट्स जीरो एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ये हमने मान लिया है. तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको सम ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ थ्री. एंड आपका फॉर्मूला क्या कहता है दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. तो आप यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए. दिस इज इक्वलेंट टू दिस. यहां पे आप इसको कैसे लिख सकते, थ्री बाय वन. एंड योर अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज व्हाट, टू. प्रोडक्ट ऑफ जीरो टू डिवाइडेड बाय वन. एंड योर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज व्हाट, सी अपॉन ए. तो देखिए ऑन कंपेयरिंग, इनको कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी विल गेट, ए इक्वल टू वन, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू क्या है थ्री एंड सी की वैल्यू क्या है टू. यहां से आपको ये तीनों आराम से मिल जाते हैं दैट ए इक्वल इनटू वन, बी इक्वल टू थ्री एंड सी इक्वल्स टू टू. अब वापिस से इसको इन इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं. तो देखिए ये क्या है आपके, ए की वैल्यू वन, वन एक्स स्क्वायर प्लस बी डेट इज थ्री एक्स प्लस सी डेट इज प्लस टू. तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिलती है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. ये तो थी हमारे इन जनरल जो हमारे इस क्वेश्चन से हमें पता लगती है. बट इन दैट केस मे बी ऐसा हो सकता है कि वी आर लैकिंग सम कॉन्स्टेंट टर्म, हम कोई कॉन्स्टेंट टर्म को यहाँ पे छोड़ रहे हो, या कोई ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंट टर्म कट हो गई हो पहले ही, हमने काट दी हो. तो एक अनदर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है वो क्या बनेगी, k इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. दिस इज द अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो यहां से बन सकती है, वेयर k इज एनी k is any constant term. So, आपने अभी तक क्या देखा कि हाउ टू फाइंड द
quadratic polynomial using sum of zero and product of zero. And इससे पहले हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी quadratic polynomial हमें दी गई है तो how to find the sum of zeros and product of zeros. या हम ये बोले कि zero of polynomial को हम कैसे find out करते हैं. This is all about your exercise 1.2.2. And next we will discuss about the sum of zero and product of zeros in case of a cubic polynomial. Cubic polynomial के बारे में हम next अपने lecture में पढ़ेंगे. And it's all over about this. Thank you.